तो फिर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिर गाइस, ये वाला वीडियो पार्ट 3 है लोकोमोटिव वेब 7 का। और गाइस, पार्ट 3 वाला वीडियो भी पूरा कंप्लीट नहीं है, आधा ही है। तो फिर गाइस, पार्ट 4 जल्दी से जल्दी आएगा। और वो पार्ट 4 गाइस टॉप वाला पोर्शन, टॉप वाला पार्ट पूरा कंप्लीट रहेगा उसमें पूरा। और उसमें सर्किट भी पूरा हो जाएगा, उसमें ही हो जाएगा। तो फिर गाइस, ये रहा हमारा मॉडल जो कि कुछ इस प्रकार है और बहुत बड़ा है, देख सकते हो। तो फिर गाइस, कुछ इस प्रकार हमने वो वाला मतलब पार्ट 3 बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट कर लिए। और तो फिर ये वाला वीडियो जरूर देखना, पूरा एंड तक देखना। तो फिर गाइस, चलिए हमारे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फिर गाइस, हम लोग अपने वेब 7 पार्ट 3 में आ चुके हैं। तो फिर गाइस, यहाँ पे मैंने जो मेटल के ग्रिल मतलब ग्रिल पे पीसेस हैं, मतलब उसमें छोटा छोटा पीसेस काट के, मतलब जो साइज मुझे चाहिए था यहाँ पे, मतलब जो ट्रेन के लिए वो विंडो सेक्शन, मतलब विंडोज नहीं, मतलब एयर कंडीशन के लिए, मतलब यहाँ एयर पास हो सके उसके लिए, उसी साइज़ में यहाँ पे मैंने वही ग्रिल पीसेस को काट लिया उसी साइज़ का। और मैं इन सारे ग्रिल पीसेस को अच्छे से फेविक्विक की सहायता से बहुत ही अच्छे से चिपका लिया, जो कि आप देख सकते हो। तो फिर गाइस, जैसे कि ये हो गया, तो फिर अभी हम आ लेते हैं कैबिन के ऊपर। तो फिर गाइस, हम पहले ही एक ड्राइविंग सेक्शन का, मतलब ऐसा ही स्पीडोमीटर, वो एक्सेलरेटर, सब कुछ जो भी रहता है, सब कुछ यहाँ पे मैं मतलब जो जिसका पोजीशन होना चाहिए था उसी पोजीशन में उसे चिपका लिया। उसके बाद गाइस, इसके बाद हम एक वॉल सेपरेशन, मतलब कैबिन सेपरेशन बनाए थे वॉल, वो वॉल को मैंने एक डोर भी रहता है उसमें, मतलब मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा मेजरमेंट्स के सहायता से यहाँ पे मैंने एक डोर भी बना लिया, और वो डोर मूवेबल हो सके उसके लिए यहाँ पे मैंने सेलो टेप का मदद किया। तो फिर गाइस, इस डोर के सहायता के लिए एक हैंडल भी रहना चाहिए ना। तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेटल पीस को थोड़ा बेंड कर यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल बना रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हो। तो फिर गाइस, ऐसे ही मैंने दोनों वॉल्स पे कर लिया, मतलब दोनों कैबिन्स में भी रहता है ना, ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही कर लिया मैंने, देख सकते हो। तो फिर गाइस, अभी जैसे कि हम कर लिए, तो फिर यहाँ पे अभी चिपकाना भी ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से चिपका लिया हमारे वॉल सेपरेशन को। तो फिर गाइस, ये हमारा डोर अच्छे से मूवेबल हो रहा है। जैसे कि गाइस, अभी हमने अच्छे से चिपका लिया, जैसे कि हम डोर्स में ही हैं, तो फिर अभी कैबिन के मतलब डोर्स एंट्री गेट्स भी बना लेते हैं। तो फिर गाइस, पहले ही हमने एक डोर्स बना लिए थे, लेकिन उसमें विंडोज नहीं बनाए थे। तो फिर गाइस, विंडोज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने उसी अंदर, मतलब उसके अंदर एक छोटा सा होल बना लिया, और इन सारे डोर्स को वाइट कलर का पेंट, क्योंकि गाइस वेब लोकोमोटिव वेब 7 है तो फिर वाइट कलर का रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डोर्स को भी वाइट कलर का पेंट कर लिया, और ये बहुत ही अच्छे से सूख गए। तो फिर गाइस, यहाँ पे हमें मतलब डोर्स, मतलब अच्छे से लुक होना चाहिए। एक डोर्स में ग्लास का शीट भी रहता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट शीट का मदद करके छोटा सा पीस काट के यहाँ पे फ्लेक्स क्विक के साथ से बहुत ही अच्छे तरह से चिपका लिया। और गाइस, हमारा बहुत ही अच्छे रियलिस्टिक लुक आया। तो फिर यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन से एक छोटा सा बॉर्डर बना ले रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। और ये हमारा चारों डोर्स कंप्लीट, और ये भी मूवेबल हो सके, इसके लिए यहाँ पे मैंने सेलो टेप की सहायता से इसे भी अच्छे से कैबिन के साथ चिपका लिया, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो फिर गाइस, ये सारे डोर्स हमारे कैबिन, मतलब ट्रेन के कैबिन के साथ बहुत ही अच्छे से वर्केबल हो सके। तो फिर गाइस, कुछ इस प्रकार हमारा डोर्स वर्केबल है और बहुत ही अच्छे से सुंदर दिख रहा है। तो फिर गाइस, जैसे कि हम कैबिन में हैं, तो फिर इसका मुंडी भी चाहिए, मुंडी छत के ऊपर, मतलब छत चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हम पहले से ही एक ट्रैपीजियम टाइप का शेप का था, वो पहले ही पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 में बना लिए थे। पार्ट 2 में उस वाला पीस को यहाँ पे मैंने मतलब फ्लेक्स क्विक की सहायता से अच्छे से चिपका लिया, मतलब बहुत ही अच्छे से। गाइस, फ्लेक्स क्विक 3-4 बॉटल ख़त्म हो गए, उतना अच्छे से चिपका लिया। तो फिर गाइस, यहाँ पे हमने एक छोटा सा होल बनाया। गाइस, ये वाला होल किसके लिए आपको अभी पता चलेगा नहीं, अभी पता चलेगा नहीं। तो फिर गाइस, ये वाला होल ना, एक्चुअली यहाँ पे एक मैंने पेन रखा, ये गाइस हमारा इंजन का ट्रैक्शन लिंक, मतलब गाइस आपको वर्ड्स में बताऊँ तो, या फिर गाइस यहाँ पे हमारा व्हील सेक्शन लगेगा।
तो फिर गाइस यहाँ पे हमारा जो व्हील सेक्शन है वो मूवेबल हो सके। और गाइस यहाँ पे मैंने एक पेपर का रोल भी लगाया कि क्योंकि गाइस यहाँ पे मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रह सके हमारा बेस के साथ, इसलिए यहाँ पे मैंने मतलब बहुत ही अच्छे से फिट हो सके, इसलिए यहाँ पे मैंने मतलब वो पेपर का रोल चिपका लिया। और गाइस ये ट्रैक्शन लिंक के द्वारा हमारा व्हील्स रोटेट होंगे, मतलब रोटेट मतलब कैसे, मतलब लेफ्ट राइट जो ट्रेन ट्रैक चेंजर में होता है ना उसी प्रकार। तो गाइस कुछ इस प्रकार। और गाइस हमारा जैसे कि इंजन है तो फिर खुद ब खुद चलना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने जैसे कि मैं आपको पहले ही बता लिया था हमारा इंजन मूवेबल है। तो फिर गाइस उसमें मोटर्स भी रहता है, मोटर्स के लिए उसके वायर्स रहते हैं, वायर्स पासिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होल बना लिया जो कि वायर जाएंगे। और गाइस यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा गैप रह गया था व्हील्स और इसका मतलब बॉडी का सेक्शन में, तो फिर इसीलिए मैं यहाँ पे सनबोर्ड्स के पीसेस कुछ काट के यहाँ पे चिपका रहा हूँ जो कि कुछ इस प्रकार। और गाइस मैं पहले ही मतलब थोड़ा पेन से मार्किंग कर लिया था, मतलब जितना हमारा लोकोमोटिव बोगी है उसी मतलब उसी लेंथ में वहाँ पे जितना चाहिए था वहाँ पे मैंने दोनों साइड पे चिपका लिया कुछ इस प्रकार। तो फिर गाइस आप भी ऐसे ही कर लेना तो फिर आपके लिए भी आसान होगा। तो फिर ये रहा गाइस कुछ इस प्रकार है हमारा पूरा सेशन। और गाइस ये सारे पीसेस अच्छे से चिपक गए, जैसे कि आपको पता है फ्लैक्स क्विक है भाई, बहुत ही हार्ड है। तो फिर गाइस जैसे कि हमारे ट्रेन पे हैं तो फिर गाइस रियल ट्रेन में थोड़ा सारे लुक्स कर्व रहता है, हमारा ट्रेन का लुक थोड़ा कर्व रहता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने भी कर्व करने के लिए यहाँ पे सैंड पेपर के मदद से बहुत ही अच्छे से घिस लिया जो कि आप देख सकते हो। तो गाइस फिर भी एक अनफिनिश पार्ट रह जा रहा है। गाइस जब मैं मतलब पॉलिश कर रहा था बीच में गैप्स भी रह जा रहे थे, उन सारे गैप्स को मतलब प्रिवेंट करने के लिए मतलब फिलअप करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एमसील दोनों मोल्ड्स को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे एमसील को चिपका लिया जो कुछ इस प्रकार है। तो फिर गाइस आप भी ऐसे ही कर लेना तो फिर आपको भी आसान होगा। तो फिर गाइस आपको एक और बोल देता हूँ, अगर आपके मतलब जिस समय भी गैप है वहाँ पे आप एमसील लगा के भर सकते हो ऐसे ही कुछ इस प्रकार। हमने दोनों एंड्स पे कर लिए और गाइस ये सूखने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई दिए। और यहाँ पे गाइस मैंने पहले ही एक रेड मतलब बीच में मतलब गाइस लोकोमोटिव वेब 7 में एक रेड कलर का स्ट्रिप भी रहता है, उसके लिए मैं यहाँ पे 1 cm का हाइट के हिसाब से यहाँ पे मैंने मतलब वो ड्रॉ कर लिया पेन की सहायता से। और उसके बीच में मतलब गाइस यहाँ पे मतलब वाइट कलर का पेंट इंजन के ऊपर पूरा गिरेगा तो फिर वो बीच वाला सेक्शन में भी गिर जाएगा, इसीलिए यहाँ पे वो उसे ना गिरने के लिए यहाँ पे मैंने 1 cm सेम 1 cm के हाइट मतलब विड्थ वाले पेपर को भी यहाँ पे चिपका रहा हूँ जो कि यहाँ पे गाइस हमारा सिर्फ रेड ही डलेगा, वाइट नहीं डलेगा। तो फिर गाइस ये अच्छे से सूख जाएगा और मतलब गाइस इजी होगा, निकलने के समय भी इजी है, मैं मतलब एक बार पहले ही ट्राई कर लिया था। गाइस ये वाला फेविकॉल गम है और कुछ मत समझना, और कोई गम नहीं है। तो फिर गाइस कुछ इस प्रकार। तो फिर गाइस हमारा नीचे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर सेक्शन रहता है, उसके लिए यहाँ पे मैंने सेम 1 cm के लंबाई सनबोर्ड है वो पेपर था सिर्फ पेपर। और गाइस ये सनबोर्ड को यहाँ पे नीचे कुछ इस प्रकार यहाँ पे नीचे फेविक्विक के सहायता से बहुत ही अच्छे तरह से चिपका लिया जो कि गाइस ये वाला स्ट्रिप हमारा ब्लैक कलर का बॉर्डर बनेगा। तो फिर गाइस ऐसे ही हमारा लोकोमोटिव वेब 7 में भी ऐसे ही होता है जो कि गाइस आप फोटोज सारे भी देख सकते हो गूगल पे सर्च करके। तो फिर गाइस कुछ इस प्रकार। और एक्स्ट्रा पार्ट्स को मैंने कटर के सहायता से काट लिया। और गाइस मतलब फॉन्ट बैक में भी रहता है वो वाला स्ट्रिप लगा लिया ऐसे ही सेम डिटो सेम और कुछ नहीं। तो गाइस कुछ इस प्रकार हमने उस स्ट्रिप को लगा लिया। तो गाइस अभी पेंट का वक्त है तो फिर यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बोला था लोकोमोटिव वेब 7 वाइट कलर का रहता है तो फिर इसलिए यहाँ पे मैंने भी वाइट कलर का पेंट कर लिया कुछ इस प्रकार गाइस। तो फिर गाइस ये पूरा मतलब पूरा इंजन को वाइट लगता है और बीच में एक स्ट्रिप रेड कलर का और नीचे वाला स्ट्रिप ब्लैक कलर का। तो फिर उसके ही मतलब ऐसा वाइट पेंट डलने के बाद गाइस मैं पहले एक पेपर भी लगाया था जो कि आपको बताया मतलब यहाँ पे गाइस यहाँ पे रेड कलर का मतलब कलर लगेगा तो फिर यहाँ पे रेड ये जो बीच वाला स्ट्रिप है और जो नीचे हम फिर से और एक 1 cm वाले सनबोर्ड वाले पीस किए थे वहाँ पे ब्लैक। तो फिर गाइस पूरे नीचे। तो फिर गाइस पेंट लगने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार दिखाई दिया। तो फिर अभी हम
जो मतलब सारे ग्रिल्स व्रिल्स बनाए थे उसको थोड़ा अच्छे से मतलब रियलिस्टिक लुक आया, जो कि रियल ट्रेन में भी ऐसे ही रहता है। तो फिर गाइस छोटा सा विंडो टाइप का है, तो फिर यहाँ पे मैंने वो सारे विंडोज़ को कार्डबोर्ड मतलब कार्डबोर्ड नहीं एक मतलब पेपर से मोटा और कार्डबोर्ड से पतला वैसा ही वाला एक पेपर ले लिया और उसके ऊपर कुछ ऐसे इस तरह का डिज़ाइंस विजाइंस करके कुछ इस प्रकार मैंने कर लिया। मतलब आप पूरा वीडियो देख सकते हो, मतलब ऐसा कुछ कर लेना तो फिर आपका भी आसान हो जाएगा। और गैस ये बीच वाले सारे पोर्शन को कट कर देना कटर के सहायता से। तो फिर गैस अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका सब्सक्राइब बहुत वैल्यूबल है गैस, पता है ना। तो फिर गैस ऐसे ही छोटे वाले में भी कर दो, मतलब जो 2 cm वाला है ऐसे ही दोनों कर दो, क्योंकि हमारा पूरा 4 विंडोज़ था, मतलब 4 एयर कंडीशन करने के लिए कुछ इस प्रकार। और गाइस ये सारे विंडोज़ को फ्लेक्स क्विक की सहायता से बहुत ही अच्छे से चिपका लेना। आपको पहले ही बताया था इस इंजन को करने के लिए आपको 3 फ्लेक्स क्विक लगेंगे, मेरे भी लगे थे। तो फिर गाइस कुछ इस प्रकार लगा लेना और इस सारे के ऊपर अच्छे से फ्लेक्स क्विक लगाने से मतलब बहुत स्ट्रांग बॉन्ड हो जाएगा। तो फिर कुछ इस प्रकार। और गाइस ये मतलब गाइस ये नीचे वाला जो पोर्शन रहता है ना, मतलब एक ग्रिल टाइप का वी शेप का रहता है, तो फिर उसके लिए यहाँ पे मैंने वही सेम ग्रिल वाला मेटल यूज़ कर लिया, मतलब वो जो नेट वाला पीस था, मतलब मेटल नेट वाला, और एक सनबोर्ड का पीस ले लिया और इन दोनों को अच्छे से फेविक्विक के साथ मतलब फ्लेक्स क्विक की सहायता से बहुत ही अच्छे तरह से चिपका लिया कुछ इस प्रकार से। और इसके ऊपर मैंने वही सेम मतलब कार्डबोर्ड से पतला पेपर से मोटा वही वाला शीट फिर से ले लिया, इसके ऊपर चिपका लिया कुछ इस प्रकार। तो फिर ये अच्छे से चिपक जा सके और जैसे कि मैं आपको बताया था वी शेप वाला रह सके, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊपर उठा लिया। गाइस ऐसे ही दोनों साइड में दोनों कर लिया और इन सारे को अच्छे से बहुत ही अच्छा फिनिशिंग लुक आए, इसलिए यहाँ पे मैंने सेम मतलब वही कार्डबोर्ड को यूज़ करके यहाँ पे उसका बॉर्डर्स भी बना ले रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा से लुक आए और ये कुछ हमारा लुक बहुत ही मतलब एक रियलिस्टिक लुक आओ वैसा हो सके, इसलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से वो फ्लेक्स क्विक के सहायता से इन सारे मतलब कार्डबोर्ड बॉर्डर्स को अच्छे से चिपका लिया कुछ इस प्रकार, ऐसे ही दोनों में कर लिया। और गाइस आपको जैसे कि पता है वो वाला ग्रिल के साइड वाले पीसेस में भी थोड़ा मतलब रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर सब वाले पीसेस रहते हैं, तो फिर गाइस उस तरह ही यहाँ पे मैं मतलब बचा हुआ पीसेस सारे को एडजस्ट मतलब करना ही चाहिए एडजस्ट पीसेस सारे, मतलब कुछ भी आधा अधूरा पीसेस यहाँ पे चिपका कर यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लिया। तो गाइस ऐसे ही दोनों साइड में कर लिया। तो फिर गाइस ये जो ग्रिल वाले पीसेस थे हम जो बनाए थे, इन सारे को जो फ्रंट और बैक साइड में यहाँ पे हमें चिपका लेना फ्लेक्स क्विक के सहायता से कुछ इस प्रकार से। तो फिर गाइस ये बहुत ही मस्त लुक देता है, पूरा इंजन को पूरा अलग सा पूरा डिफरेंट सा लुक दे दिया ये बनाने के बाद। तो फिर गाइस कुछ इस प्रकार हमारा पूरा सेशन कंप्लीट था। तो फिर गाइस यहाँ पे आगे एक मतलब गाइस सस्पेंशन वाले कंपार्टमेंट से कंपार्टमेंट ना लगने के लिए बीच में एक गैप रहता और उसके वहाँ पे एक मतलब प्रेशर मतलब क्या बताऊँ और पता नहीं, आप देख लो तो फिर आप समझ जाओगे वो क्या है, उसका नाम भी पता नहीं मुझे, लेकिन मतलब वो जैसे ट्रेन में रहता वैसे ही सब कुछ बना लिया वैसे ही गाइस। तो फिर गाइस वो सारे 4 रहते हैं मतलब एक साइड में 2, तो फिर आपको मतलब लगाने के समय आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। तो फिर गाइस मैंने यहाँ पे एक पेपर को रोल करके उसके ऊपर मतलब सर्कुलर सनबोर्ड को पीसेस को काट के वहाँ पे चिपका लिया और गाइस अब भी आपको पता चल गया होगा ये क्या है। तो गाइस ये वही है और इन सारे को अच्छे से चिपका लिया। तो गाइस जैसे कि आ गया तो फिर हम ही मतलब फ्रंट साइड में आ गया, तो फिर यहाँ पे हमारा मतलब विंडोज़ में ग्लास भी रहना चाहिए, तो फिर सेम ट्रांसपेरेंट शीट यूज़ कर लिया और फ्लेक्स क्विक के साथ से बहुत ही अच्छे से चिपका भी लिया। ऐसे ही मतलब साइड विंडोज़ भी मतलब वही ट्रांसपेरेंट शीट से ही यूज़ कर लेना मतलब। और गाइस ये बहुत ही स्ट्रांग है जैसे कि आपको बताया था, बहुत ही अच्छा है, फ्लेक्स क्विक भी ख़त्म होगा ही रहेगा। तो फिर नया बॉटल आ गया, अभी नया बॉटल आ गया।
तो गैस ये सारे साइड वाले पोर्शन, फ्रंट वाले पोर्शन सारे को मतलब ट्रांसपेरेंट शीट से कर दो। और गैस ऐसा रहने से कुछ अलग सा लुक नहीं आ रहा था, तो फिर यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पतले, पूरे पतले पतले पीसेस, 2 mm के पतले, उतने पतले पीसेस को काट कर यहाँ पे गम को चिपका लिया, मतलब गम से चिपका लिया और एक्स्ट्रा पीस को काट लिया। ऐसे ही पूरा बॉर्डर, कंप्लीट विंडोज़ को बॉर्डर बना लिया कुछ इस प्रकार से, जो कि आप देख सकते हैं आपके। तो गाइस आप भी ऐसे ही कर लेना, बहुत ही अच्छे से मतलब रियलिस्टिक लुक आएगा। तो गाइस आपको एक बताना चाह रहा हूँ, जो कि गाइस मतलब गाइस थोड़ा बाद में बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने और एक आइसक्रीम स्टिक को मतलब उसको आधा कर लिया। आधा करने के बाद कुछ छोटा छोटा पीसेस मैंने यहाँ पे काट लिया, और यहाँ पे मैं जो फ्रंट वाले पेज में एक स्टेप साइड कुछ रहता है, तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पे कर लिया, जैसे कि ट्रेन में रहता है वैसे ही बना लिया। और गाइस यहाँ पे एक मेटल वाला मतलब रॉड भी लगा लिया, जैसे रियलिस्टिक लुक आता है। तो गाइस सिर्फ इतना ही पार्ट 3 में। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर देना। तो फिर गाइस पार्ट 4 जल्दी आने वाला है।